हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल थिंग्स बाय मी में। आज हम आपके लिए लेके आए कंपैरिजन बिटवीन एवेंट फिलिप्स मैनुअल ब्रेस्ट पंप वर्सेस लवलैप मैनुअल ब्रेस्ट पंप। तो जनरली आप देख रहे हैं दोनों प्रोडक्ट वीडियो में है। लवलैप का काफ़ी साइज में थोड़ा बड़ा है और फिलिप्स एवेंट का थोड़ा छोटा है। जहाँ तक हैंडलिंग की बात करें तो एवेंट का काफ़ी अच्छा वन हैंडेड काफ़ी सॉफ्ट हैंडल हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। जनरली डिज़ाइन काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से बना हुआ है। मटेरियल की बात करें तो हाई क्वालिटी का सिलिकॉन यूज हुआ हुआ है। लवलैप में थोड़ा पुशिंग हार्ड हो रहा है। प्लस इसमें एक ऑप्शन आता है, लवलैप कंपनी आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है पुशिंग कंट्रोल का। ये जो अंदर डॉट पॉइंट होता है इसको आप जनरली एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप फर्स्ट पॉइंट में लाओगे, इसको आपको अंदर लॉक कर देना है। ये देखिए थ्री लेप्स होते हैं इसमें, तो हमने फर्स्ट पे किया हुआ अभी, तो आप देख सकते हो ये और हार्ड हो गया है। मतलब इसका लास्ट पार्ट भी हार्ड है, एवेंट की तुलना में काफ़ी हार्ड पड़ रहा है ये। तो ये किसका डिसएडवांटेज है कि आप लॉन्ग टाइम में 2 से 5 मिनट इसको यूज करोगे तो आपको हैंड चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिलिप्स एवेंट में ऐसा नहीं होता है। ये काफ़ी सॉफ्ट यूज है, ये देख सकते हो आप। प्लस ये वन हैंड में आप पकड़ने में थोड़ा मुश्किल होगा आपको, ये क्या काफ़ी अच्छा है। बॉक्स की बात करें हम तो आप देख सकते हैं लवलैप 799 MRP है इसकी, और ये 2035 इसकी MRP है। वन ईयर वारंटी प्रोवाइड करता है लवलैप में। प्लस इसमें दो ब्रेस्ट फ्री आते हैं, एवेंट के इस मॉडल में कोई ब्रेस्ट पंप फ्री नहीं है, ये देख सकते हैं आपकी। डिस्काउंट करके 2035 में हमारी अवेलेबल है। इसकी मेनली MRP 2095 में प्रिंटेड होगी। लवलैप में आपको एक ऊपर ये फीडिंग, इसको 2-in-1 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए आपको फीडिंग बोतल टाइप में यूज करना हो तो इसके अंदर टीट अवेलेबल होती है, तो इसकी हेल्प से आप इसको फीडिंग बोतल में भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मली ब्रेस्ट पंप में भी यूज कर सकते हैं। एवेंट में ये एवेंट के इस मॉडल में ये वाला फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। जनरली बात करें तो इसके ये प्रोवाइड करता है अर्गोनॉमिक शेप है इसका, कि इसका ये कंपनी प्रोवाइड करती है कि बेटर ग्रिप एंड इजी पंपिंग विथ वन हैंड लिखा है, पर मैं जहाँ तक यूज कर रहा हूँ ऐसा कुछ है नहीं है। एक आप इस मॉडल को यूज करोगे तो काफ़ी कन्वीनियंट है, एकदम सॉफ्ट वन हैंडेड मोड में आप यूज कर सकते हो। बाकी ये जैसा लिखा है वैसा कुछ हो नहीं रहा है। कम्फर्ट की जहाँ तक बात करें, इसमें सॉफ्ट सिलिकॉन कुशन सेल्फ इन एक्सप्रेसिंग मिल कंफर्टेबिलिटी, तो वो भी मटेरियल इसका आप देख सकते हो ठीक है, बट थोड़ा थिन मटेरियल है एवेंट की तुलना में। एवेंट में काफ़ी थिक मटेरियल है और अच्छा है, नेचुरल टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, आप देख सकते हो। ये एवेंट का मटेरियल है और ये इसका मटेरियल है। मैं लिखा है एवेंट की एक खास टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसको पेरिस्टेटिक मूवमेंट, जो बच्चा ओरिजिनल मोम का निप्पल से दूध पीता है तो वो जो जैसे उसकी टंग मूवमेंट करती है तो वो उसी के हिसाब से इसको प्रेस करते हैं, तो वैसा ही सेम मूवमेंट जो उसको पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं, तो एवेंट से वो सेम मूवमेंट मतलब नेचुरल टेक्नोलॉजी आपको मिलती है जो लवलैप में नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, देयर टंग मूव्स इन द वेव लाइक मोशन ऑन द निप्पल टू एक्सट्रैक्ट मिल्क, दिस मोशन इज कॉल्ड पेरिस्टेसिस मोशन। अवर नेचुरल मोशन टेक्नोलॉजी इज डिजाइनेड टू मिमिक द पेरिस्टेसिक मोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर क्विक रेड डाउन एंड मिल्क फ्लो। मतलब आपको इसमें मिल्क फास्ट प्रोवाइड करने के लिए ये वाली टेक्नोलॉजी यूज की हुई है पेरिस्टेसिस मूव की। फिर उसके बाद ये नेचुरल मोशन टेक्नोलॉजी बॉक्स के फ्रंट में प्रिंटेड है, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। हाँ, ये काफ़ी ओरिजिनली लाइट वेट है, जैसा लिखा हुआ है वैसा है, पर इसमें लाइट वेट नहीं है। इसकी तुलना में ये काफ़ी थोड़ा वजनदार लग रहा है मुझे। फिर एवेंट
5 रीजन प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा इसलिए यूज के लिए, पहला है कि नेचुरल मोशन टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, दूसरा है कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, जो कि बात सही है, दोनों मैंने देखा है, इसमें दोनों बात सही है। थर्ड बात है कि वन साइज फिट्स ऑलमोस्ट ऑल मम्स, तो ये भी बात सही है। काफ़ी मॉम्स का अच्छा रिव्यू आ रहा हमारे बेबी स्टोर में कि एवेंट का अच्छा है। उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन है, सीट अप स्ट्रेट वाइल पंपिंग, नो मोर क्लीन फॉरवर्ड, ये भी ठीक है। फिर एक है इजी टू क्लीन के मामले में भी ये चलो ठीक है। अभी हम बात करते हैं लवलैक की, तो लवलैक में ये जो अर्गोनॉमिक शेप दिया हुआ है, बेटर ग्रिपिंग, ये मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, काफ़ी लो क्वालिटी प्लास्टिक यूज किया हुआ है। फिर कंफर्ट, सॉफ्ट सिलिकॉन कुशंस, एल पिन इंक्रीजिंग मिल कंफर्टेबिलिटी, ये ठीक है। इजी असेंबली एंड क्लीनिंग, ये भी ठीक है। 100% स्टेलाइजेबल, तो ये तो ठीक ही है। कॉम्पैक्ट डिजाइन, ट्रैवल फ्रेंडली और बीपीए फ्री दोनों हो ही है। फिर हम बात करते हैं, ये देख लीजिए इसकी बॉक्स में ये टीटोर इसका ढक्कन आता है, जो आपके फीडिंग बोतल नॉर्मली बन जाती है। फिर ये बेस्ट पंप आता है, ये ट्रैवलिंग बैग फ्री आता है, इसकी MRP रहती है 79, जो इसके कंपैरिजन में, एवेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, 2095 आप देख सकते हैं इसकी MRP। और ये MRP इसकी 799 इसकी MRP है। तो दोस्तों जनरली ऐसा नहीं कह सकते कि लवलैप का भी ख़राब है, आप 799 इकोनॉमी प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा बेस्ट पंप है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी यूज करना चाहते हो, अच्छी चीज़ यूज करना चाहते हो, तो आप एवेंट खरीदिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।